हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने नए प्लांट की शॉपिंग और पॉट्स के बारे में। बहुत ही सस्ते और वाजिब दाम पे हमने ये खरीदे हैं, तो चलिए जानते हैं वीडियो में इनके रेट के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मेरी न्यू प्लांट्स और पॉट्स की शॉपिंग। आप देख सकते हो मैंने ढेर सारे यहाँ पर पॉट्स लिए हैं और प्लांट्स भी जो मेरे गार्डन में नहीं थे उनको मैंने परचेज़ किया है। बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत हेल्दी प्लांट है और पॉट भी बहुत अमेजिंग है। कुछ तो मैंने ये हैंगिंग बास्केट लिए है 6 पीस और 6 पीस मैंने लिए हैं ये पॉट। इनकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, ये देख सकते हो आप, बहुत ही सुपर फाइन क्वालिटी के पॉट्स हैं। और इसी तरीके से ये हैंगिंग बास्केट है, इसका साइज़ भी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बिग साइज़ में ये मुझे मिली है। तो चलिए इनकी डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा हाइब्रिड विनका है और बिल्कुल ब्लड रेड कलर इसका है, बहुत सुंदर फूल है। देसी वैरायटी के तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी के नहीं थे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ ताकि सर्दियों में इससे ढेर सारे प्लांट्स बना सकूँ। तो एक बहुत ही हेल्दी प्लांट मुझे मिला है, पूरा देख सकते हो कितना बुशी प्लांट है और एक बड़े पॉट के अंदर ये लगा हुआ है। तो ये मुझे 70 रुपये में पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्लांट से मैं इसके कम से कम 10 पीस मैं बना लूँगी, यानी कि 10 प्लांट और तैयार कर लूँगी। बहुत आसानी से कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है, तो सिर्फ वैरायटी जुटाने के लिए मैंने इसको लिया है। इसके बाद अगला प्लांट है हमारा एग्लोनिमा। ये देख सकते हो एग्लोनिमा की एक वैरायटी है, बहुत हेल्दी प्लांट है और ये मुझे 100 रुपीज़ में पड़ा है। और 100 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस पॉट के अंदर एक थैली में लगा हुआ है और इसमें देखिए 2 प्लांट इसमें लगे हुए हैं। यही चीज़ मैंने देख के इसको परचेज़ किया था। जब मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी अभी, तो उस टाइम इसको मैं सेपरेट कर लूँगी और 2 प्लांट मेरे तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी डील मेरी ये रही है, 100 रुपीज़ में मुझे 2 प्लांट मिल जाएंगे। अगला प्लांट है हमारा एक्जोरा का। एक्जोरा के 2 प्लांट मैंने लिए हैं, एक प्लांट तो काफ़ी बड़े साइज़ में है ये देख रहे हो आप, और दूसरा थोड़ा सा छोटा है, इसकी हाइट थोड़ी कम है और ये बिल्कुल फुल साइज़ में है। अच्छी ग्रोथ इसमें, नई शूट्स भी स्टार्ट हो गए, लगभग 3-4 दिन पहले मैंने लिए थे और इसको मैंने सेमी शेडेड यानी कि अपने बड़े प्लांट के नीचे मिट्टी में रख दिया था ताकि इसको नीचे से मॉइस्चर मिलता रहे सभी प्लांट्स को। तो देखिए ये मेरा है येलो फ्लावर वाला, येलो फ्लावर आते हैं इसके अंदर, बहुत सुंदर फ्लावर थे। यहाँ से देख सकते हो आप, ये इसके अंदर खिला हुआ था पूरा गुच्छा जो कि बिखर गया है तेज़ हवा के कारण। और दूसरे वाला है ये पिंक वैरायटी का, इसके अंदर लाइट पिंक कलर के जो फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर फ्लावर थे। ये वाला मुझे पड़ा है लगभग 70 रुपीज़ का और ये वाला मुझे 40 रुपीज़ में। तो ये भी अच्छी डील मेरी रही है। और अब आगे चलते हैं, देखिए मेरा ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको अरेलिया कहते हैं, अरेलिया का प्लांट है और इसका जो लीफ पैटर्न है बहुत सुंदर लगा मुझे। और देख सकते हो आप इसके अंदर शेडेड पत्तियाँ हैं, यानी कि किनारी इसके बिल्कुल लाइट कलर की हैं और अंदर से ये ग्रीन है, बहुत सुंदर प्लांट मुझे लगा। इसको मैंने लिया है 50 रुपीज़ में। इसके बाद बात करते हैं सिंगोनियम की। ये देखिए सिंगोनियम जो इसकी देसी वैरायटी है वो तो मेरे पास बहुत सारी है और लगभग 15 साल से मेरे पास है वो प्लांट और उसी को मैं मल्टीप्लाई करती रहती हूँ और बहुत ज़्यादा बुशी हो चुका है वो। और लेकिन ये पिंक वाला, इसमें हल्का सा आप देख सकते हैं कि पिंक वेरिएशन है इसके अंदर, तो ये वाली वेराइटी मेरे पास नहीं थी तो इसको मैंने लिया है, ये मुझे पड़ा है 50 रुपीज़ में। हवा बहुत तेज़ चल रही है दोस्तों और लगता है बारिश आने वाली है। ये देख सकते हो आप, ऊपर आसमान बिल्कुल ब्लैक होता हुआ आ रहा है इधर साउथ की साइड से। तो मैं जल्दी से वीडियो कंप्लीट करके आज शाम को इनको रिपोर्ट कर दूंगी। ये देखिए ये मेरा है पोलियस का, पोलियस का इसकी मैंने कुछ कटिंग भी काट ली है ऊपर से, यहाँ से टूट गई थी तो मैंने इसकी ये 2 कटिंग यहाँ से निकाल के और अलग मिट्टी में लगा दी है तो मेरे और प्लांट तैयार हो जाएं। इसका जो लीफ वेरिएशन है ये देख सकते हो, इसके जो कटआउट है और पत्तियों के अंदर शेड है, ये मुझे कुछ डिफरेंट लगा तो इसको मैंने लिया। ये मुझे पड़ा था 20 रुपये में। और इसी तरीके से एक ये वेराइटी भी आप देख सकते हो, डार्क वाली है, इसका भी देख सकते हो लीफ की जो शेप है वो डिफरेंट है, थोड़ा एकदम से ही अलग है, तो इसको भी, ये भी 20-20 के मुझे पड़े हैं दोनों। और इधर देखिए ये कोलियस है, देख सकते हो मैंने मिट्टी के अंदर रख दिया था गार्डन में, तो नीचे से इसकी जड़ें जो है मिट्टी के अंदर फैल गई थी, लगभग 4-5 दिन के अंदर ही मिट्टी में निकल गई थी और उससे जब मैं अब इसको उठा के लाई हूँ तो ये थोड़ा सा चौक में आ गया है।
ये देख सकते हो कैसे लटक गई है कुछ पत्तियाँ इसकी, लेकिन कोई नहीं, इसको अभी हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसको कर देंगे। बहुत ही बुशी प्लांट है और ये लगभग 4 इंची 6 इंची के पोट के अंदर लगा हुआ है। ये मुझे पड़ा है 40 रुपीज़ में। और अगला प्लांट है हमारा एलिफेंट फीट, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये देख सकते हो बहुत सुंदर होती है इसकी पत्तियों की जो शेप है, और इसके अंदर जब वाटर पानी की जो बारिश की बूंदें गिरती है तो बिल्कुल मोती की तरह से ये देखिए कैसे घूमती रहती है। इसको अगर हम किसी बड़े साइज़ के पॉट के अंदर लगा देते हैं बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है, और उसकी पत्तियों का साइज़ भी बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत सुंदर लगता है। एवर ग्रीन प्लांट है और कोई ख़ास इसको देखभाल की भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये मुझे पड़ा है 20 रुपीज़ का। इसके बाद बात करते हैं हम क्रोटोन की। क्रोटोन की ये देखिए बेंगलोरी वेराइटी है, बहुत सुंदर प्लांट है, बहुत हेल्दी है, और इसकी पत्तियों का आप शेड देख सकते हो कि कहीं पिंक है, कहीं येलो है, कहीं ग्रीन है, बहुत सुंदर है, मल्टी कलर में ये है। बहुत अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा है। और नेक्स्ट है हमारा लिपस्टिक एग्लोनिमा। ये देख सकते हो आप बहुत सुंदर प्लांट है दोस्तों लिपस्टिक एग्लोनिमा का, और ये इंडोर आउटडोर दोनों जगह हम इसको रख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ये मुझे फिर भी उसने बहुत आराम से 150 रुपये में मुझे दे दिया है। काफ़ी सुंदर प्लांट है, हेल्दी है, और देख सकते हो नीचे से धीरे धीरे क्या करेगा, जैसे बड़ा होगा तो 1-2 महीने के बाद नीचे से बेबी प्लांट इसके अंदर से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसको भी सेपरेट करके हम बहुत सारे इसके प्लांट नए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी हैंगिंग बास्केट। ये देखिए बहुत ही सॉलिड चेन इसके अंदर लगी हुई है, और ये देख सकते हो आप बिग साइज़ में और काफ़ी सॉलिड बास्केट है ये। काफ़ी बड़ी बड़ी इसके अंदर हम काफ़ी बुशी प्लांट इसके अंदर लगा सकते हैं, जो भी हैंगिंग प्लांट हमारे होते हैं। इसका मटेरियल काफ़ी, ये जो सेकंड ग्रेड के जो प्लास्टिक आता है वो नहीं है, ये फर्स्ट ग्रेड का है, और ये मुझे पड़ा है 70 रुपीज़ ईच, यानी कि 70 रुपये की एक बास्केट मुझे पड़ी है। और ये 2 कलर में मैंने लिए, ये देखिए एक ब्राउन है चॉकलेट कलर में, और ये मेरा है येलो में। एक कम थी उसके पास, यानी कि 6 पीस मुझे लेने थे तो नहीं मिली, तो फिर मैंने उसकी जगह एक ये वाइट वाली ले ली है। ये भी काफ़ी अच्छी है, इसके अंदर चेन नहीं है, प्लास्टिक की ही इसके अंदर डोरियां लगी हुई है। और अब बात करते हैं हम अपने पॉट की। ये देखिए ये मेरे 10 इंची पॉट है, अनब्रेकेबल प्लास्टिक के बने हुए हैं, यानी कि फर्स्ट ग्रेड प्लास्टिक होता है उसके, हैं रिसाइकिल वाले प्लास्टिक के नहीं बने, बहुत सॉलिड है, बहुत सुंदर है, और बिल्कुल प्योर इसके अंदर शाइनिंग, इसका कलर जो देख सकते हो बहुत ही सुंदर है। ये मुझे 100 रुपीज़ ईच पड़ा है। ये 6 पीस मैंने लिए हैं, मल्टी कलर में बहुत सारे थे उसके पास, लेकिन जो कलर मुझे अच्छे लगे वो मैंने लिए हैं। दोस्तों ये देख सकते हो आप बरसात के मौसम में हर तरफ फूल ही फूल, हरियाली छाई हुई है। देखिए मेरा जो पोर्चुला का है बहुत सुंदर खिल रहा है, और कितना घना हो चुका है ये। और ये मैंने अपनी जो ग्रो बेड है ये तैयार कर लिया है, इसकी मिट्टी को मैंने काफ़ी उलट पुलट कर दिया है, खाद इसके अंदर अच्छे से मिला दिया, और पूरी तरह से इसको स्टरलाइज कर रही हूँ मैं, ताकि धूप में ये इसके अंदर जितने भी जम्स हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया वो ख़त्म हो जाए। इधर ये मेरे पोर्चुला का लगे हुए हैं, हाइब्रिड और देसी सब मिक्स। यहाँ पे देखिए मेरे कलम से तैयार किए हुए गुड़ैल है, ये पिंक वैरायटी, वाइट पिंक, बहुत सुंदर, बहुत हेल्दी प्लांट है। बस इन पे ध्यान रखना है हमें अपने मिलीबग का, क्योंकि इस टाइम में मिलीबग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें, और अगर मिलीबग लग गया है तो उसका ट्रीटमेंट भी करें। ये देखिए ये हाइब्रिड है, आज इसके अंदर फ्लावर नहीं खिला, बहुत मोटा फ्लावर इसके अंदर खिलता है, पूरा इसकी जो स्टेम है वो उसके वेट को झेल नहीं पाती है, नीचे की तरफ लटक जाती है पूरी। तो दोस्तों ये थी हमारी प्लांट और पॉट शॉपिंग की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।